प्यारे बच्चों, आज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे, लैकोपेरॉन। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझना, बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने वाली हैं, तो बहुत ध्यान से ये लेक्चर को तुम पढ़ना और सीखना। स्टार्ट करते हैं लैकोपेरॉन। देखो, प्रोकैरियोट्स में हमको तीन तरह के सिस्टम दिखाई पड़ते हैं। प्रोकैरियोट्स मान लो बैक्टीरिया है या ई कोलाई है, इसमें हमको तीन तरह के सिस्टम दिखाई पड़ते हैं। तीन तरह के सिस्टम होते हैं, हम तीनों के बारे में भी बताते हैं। मान लो कोई एक बैक्टीरिया है ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, किसी मीडियम में है। ये मीडियम है, मान लो इस मीडियम में बैक्टीरिया है। इस मीडियम के चारों तरफ कोई सबस्ट्रेट मौजूद है। मान लो इस मीडियम के चारों तरफ क्या मौजूद है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जब तक मौजूद रहता है तब तक के बैक्टीरिया एंजाइम बनाता है। एंजाइम्स आर सिक्रेटेड। फिर से देखो जरा, एक बैक्टीरिया मान लो ई कोलाई किसी मीडियम में ग्रो कर रहा है और उस मीडियम में कोई सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। जब तक के सबस्ट्रेट मौजूद है तब तक के बैक्टीरिया एंजाइम्स बनाता है, और जैसे ही सबस्ट्रेट खत्म हो जाता है, बैक्टीरिया के चारों तरफ जैसे ही सबस्ट्रेट खत्म हो जाता है, बैक्टीरिया एंजाइम का सिग्रीशन बंद कर देता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें एंजाइम का सिक्रीशन सबस्ट्रेट पर निर्भर कर रहा है, सबस्ट्रेट एंजाइम के सिक्रीशन को इंड्यूस कर रहा है, जब तक ये सबस्ट्रेट मौजूद है तब तक के एंजाइम बन रहे हैं, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम। ये कहलाता है इंड्यूसिबल सिस्टम। तो जब तक ये सबस्ट्रेट मौजूद है तब तक बैक्टीरिया एंजाइम बनाता है, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम, या एंजाइम इंडक्शन भी कहते हैं, एंजाइम इंडक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक के सबस्ट्रेट मौजूद है बैक्टीरिया के चारों तरफ, जब तक सबस्ट्रेट मौजूद है बैक्टीरिया तब तक एंजाइम बनाता है, और जैसे ही सबस्ट्रेट खत्म हो जाता बैक्टीरिया एंजाइम के सिक्रीशन को बंद कर देता है। तो एंजाइम क्यों सिक्रीट हो रहे हैं, एंजाइम के सिक्रीशन को इंड्यूस कर रहा है सबस्ट्रेट। जब तक सबस्ट्रेट मौजूद है तब तक एंजाइम बनते हैं, इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं एंजाइम इंडक्शन या इंड्यूसिबल सिस्टम, या इंड्यूसिबल सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन एक इंड्यूसिबल सिस्टम है, या इसे हम एंजाइम इंडक्शन भी कहते हैं। और यहां पर जो सबस्ट्रेट है वो ध्यान रखना, वो लैक्टोज है। क्या है यहां पर, लैकोपेरॉन में सबस्ट्रेट क्या है, ये लैक्टोज है। तो जब तक ये लैक्टोज बैक्टीरिया के चारों तरफ रहती है, मीडियम में रहती है, तब तक के बैक्टीरिया एंजाइम बना रहा है, और जैसे ही लैक्टोज खत्म हो जाती बैक्टीरिया एंजाइम का सिक्रीशन बंद कर देता है। सबस्ट्रेट यानी लैक्टोज एंजाइम के सिक्रीशन को इंड्यूस कर रहा है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम या एंजाइम इंडक्शन। आ चुका है, आ भी सकता है, इसे एंजाइम इंडक्शन कहते हैं। दूसरा सिस्टम, मान लो ये बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, यह बैक्टीरिया है, यह है ई कोलाई, यह बैक्टीरिया है। इसके मीडियम के चारों तरफ कोई सबस्ट्रेट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, सबस्ट्रेट प्रेजेंट और एब्सेंट। मान लो कोई सबस्ट्रेट प्रेजेंट है या सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, और सबस्ट्रेट एब्सेंट,
सबस्ट्रेट प्रेजेंट है या सबस्ट्रेट एब्सेंट है. एंजाइम्स आर सिक्रेटेड ऑल द टाइम्स. बैक्टीरिया एंजाइम हमेशा बनाता रहता है. एंजाइम्स आर सिक्रेटेड ऑल द टाइम्स. एंजाइम हमेशा बनते रहते हैं, बनते रहते हैं और बनते रहते हैं. एंजाइम के सिक्रीशन पर सबस्ट्रेट का कोई असर नहीं होता. सबस्ट्रेट मौजूद हो या सबस्ट्रेट मौजूद नहीं है, एंजाइम्स हमेशा बनते रहते हैं. एंजाइम्स आर सिक्रेटेड ऑल द टाइम्स. ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव सिस्टम. ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव सिस्टम. कॉन्स्टिट्यूटिव सिस्टम. तो कॉन्स्टिट्यूटिव सिस्टम में एंजाइम्स हमेशा बनते रहते हैं. और एक बात ध्यान रखना बेटा, एंजाइम्स क्यों बनते हैं? क्योंकि जीन एक्टिव रहते हैं. बीटल एंड टैटम ने एक थ्योरी दी थी, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी. यानी एंजाइम का जो सिक्रीशन है वो जीन के ऊपर डिपेंड करता है. जीन अगर एक्टिव होंगे तो एंजाइम बनेंगे. इस वाले केस में जीन्स हमेशा एक्टिव हैं और एंजाइम्स लगातार बनते जा रहे हैं. ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव सिस्टम. तो कॉन्स्टिट्यूटिव सिस्टम में जो जीन्स होते हैं दे रिमेन ऑलवेज एक्टिव. जीन्स रिमेन ऑलवेज एक्टिव, तभी हमेशा एंजाइम बनते रहते हैं. जीन्स रिमेन ऑलवेज एक्टिव. जीन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं. कॉन्स्टिट्यूटिव सिस्टम में जो जीन्स पार्टिसिपेट करते हैं हमेशा एक्टिव रहते हैं. ऐसे जीन्स को हम कहते हैं हाउस कीपिंग जीन्स या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स. ऐसे जीन्स कहलाते हैं. जीन्स आर सच जीन्स आर कॉल्ड. सच जीन्स आर नोन एज. सच जीन्स आर नोन एज हाउस कीपिंग जीन्स. हाउस कीपिंग जीन्स और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स. और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स ऐसे जीन्स कहलाते हैं हाउस कीपिंग जीन्स या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स. कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या हाउस कीपिंग जीन्स ये दे ऑलवेज रिमेन फंक्शनल. ये हमेशा काम करते रहते हैं, इसीलिए हमेशा एंजाइम बनते रहते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं, इसका एग्जाम्पल है रेगुलेटर जीन. अभी हम आगे बताएंगे इसके बारे में. इसका एग्जाम्पल है रेगुलेटर जीन. जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन. जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन को चलाने वाले जीन्स. रेस्पायरेशन को चलाने वाले जीन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं. रेस्पायरेशन को चलाने वाले जीन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं क्योंकि हर एक सेल रेस्पायर करती है. हर एक सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलता है. हर एक सेल में रेस्पायरेशन हमेशा होता रहता है, इसीलिए जीन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं और एंजाइम हमेशा बनते रहते हैं. तो देखा तुमने, ऐसा सिस्टम जिनमें जीन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, एंजाइम्स हमेशा बनते रहते हैं, सबस्ट्रेट मौजूद हो या सबस्ट्रेट मौजूद ना हो, सबस्ट्रेट की प्रेजेंस या एब्सेंस का एंजाइम के सिक्रीशन पर कोई असर ही नहीं पड़ता, एंजाइम्स हमेशा बनते रहते हैं. ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव सिस्टम. ऊपर वाले सिस्टम में जीन्स जब एक्टिव होंगे तभी एंजाइम बनेंगे, और जब जीन्स इनएक्टिव हो जाते हैं तो एंजाइम का सिक्रीशन बंद हो जाता है. ऊपर वाले इंड्यूसिबल सिस्टम में ऐसा होता है, ध्यान रखना. तीसरा सिस्टम देखो बेटा, मान लो ये इकोलाई है. ये है इकोलाई, एक ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहा है. मान लो किसी मीडियम के अंदर ये इकोलाई ग्रो कर रहा है. ये किसी मीडियम में इकोलाई ग्रो कर रहा है. किसी रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट बैक्टीरिया में है. मान लो बैक्टीरिया के अंदर किसी रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है. एंड प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन स्टॉप्स इट्स ओन सिंथेसिस. एंड प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन स्टॉप्स इट्स ओन सिंथेसिस.
किसी रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट अपनी ही सिंथेसिस को रोक देता है, किसी रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट अपनी ही सिंथेसिस को रोक देता है। मान लो किसी रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है बैक्टीरिया के अंदर ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान किसी रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है बैक्टीरिया के अंदर, वो अपनी सिंथेसिस को खुद ही रोक के दे रहा है। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं रिप्रेसिबल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिप्रेसिबल सिस्टम। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं रिप्रेसिबल सिस्टम, रिप्रेसिबल सिस्टम, या इसे कहते हैं एंजाइम रिप्रेशन और एंजाइम रिप्रेशन, एंजाइम रिप्रेशन, रिप्रेशन। तो किसी रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट अपनी ही सिंथेसिस को जब रोक दे तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं रिप्रेसिबल सिस्टम या एंजाइम रिप्रेशन कहते हैं। इसमें एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, लेकिन इसमें ट्रिप्टोफान ओपरॉन पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? ट्रिप्टोफान ओपरॉन या टीआरपी ओपरॉन, ट्रिप्टोफान ओपरॉन इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिप्टोफान ओपरॉन। एनसीईआरटी ने केवल लैक ओपरॉन ही एक्सप्लेन किया है, इसका एग्जांपल लेकिन ट्रिप्टोफान ओपरॉन है। और किसी रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या हो गया? ये ट्रिप्टोफान है। तो ट्रिप्टोफान किसी रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है, वो अपनी ही सिंथेसिस को रोक देता है कुछ समय बाद। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं रिप्रेसिबल सिस्टम या एंजाइम रिप्रेशन। इसका एग्जांपल हो गया ट्रिप्टोफान ओपरॉन। तो प्रोकैरियोट्स में तुमने देखा तीन तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, इंड्यूसिबल सिस्टम या एंजाइम इंडक्शन कहते हैं इसे, दूसरा कॉन्स्टिट्यूटिव सिस्टम, और तीसरा एंजाइम रिप्रेशन या रिप्रेसिबल सिस्टम, या रिप्रेसिबल सिस्टम। तो इंड्यूसिबल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूटिव सिस्टम और रिप्रेसिबल सिस्टम, ये तीन तरह के सिस्टम हमें प्रोकैरियोट में देखने को मिलते हैं। ये ध्यान रखना, इतना समझने के बाद ही तुमको लैक ओपरॉन ठीक से समझ में आएगा। तो हम लोग जो तुम्हारे सिलेबस में दे रखा है वो है इंड्यूसिबल सिस्टम या एंजाइम इंडक्शन, और इसमें एग्जाम्पल है कौन सा ओपरॉन? लैक ओपरॉन इसका एग्जाम्पल है। तो हम लोग अब लैक ओपरॉन पढ़ेंगे डिटेल में, तो ये ध्यान रखना। लैक ओपरॉन बेटा समझने से पहले थोड़ी कुछ बातें जानना जरूरी है। इसमें देखो लिखा है जीन रेगुलेशन, लैक ओपरॉन किस चीज का एग्जाम्पल है? जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन का मतलब क्या है? जीन से जब एक्टिव होंगे तब एंजाइम बनेंगे, जीन्स जब इनएक्टिव होंगे तो एंजाइम नहीं बनेंगे। तो ये एक तरह का जीन रेगुलेशन है। क्या है जीन रेगुलेशन? एंजाइम का बनना या ना बनना निर्भर करता है जीन्स के ऊपर। तो लैक ओपरॉन जीन रेगुलेशन के अंतर्गत आएगा। किसके अंदर आएगा? जीन रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। ठीक, अब इसको हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना, यानी जीन एक्सप्रेस होगा पहले आरएनए के रूप में, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो पहले जीन एक्सप्रेस होता है, आरएनए बनाता है ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए प्रोटीन बनाता है ट्रांसलेशन, इसे हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। और प्रोटीन बन गई, प्रोटीन का मतलब एंजाइम बन गया। तो जीन्स जब एक्टिव हुए तो एमआरएनए बना, एमआरएनए बनने के बाद प्रोटीन या एंजाइम बन गया, तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन। तो वही है, तो जीन जब एक्टिव होंगे तभी एंजाइम बनेंगे, जीन जब इनएक्टिव होंगे तो एंजाइम का सेग्रीशन बंद हो जाएगा। दिस इज जीन रेगुलेशन, इसको हम जीन रेगुलेशन बोलते हैं। अब देखो जीन रेगुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे ओपेरॉन्स। लैक ओपरॉन तो एक एग्जाम्पल है जो कि तुम्हारे सिलेबस में है, लेकिन ओपरॉन हम लोग देखेंगे क्या है एक्चुअल में। ओपरॉन होता क्या है? ओपरॉन इज ए ग्रुप और क्लस्टर ऑफ जीन्स। ओपरॉन एक जीन्स का समूह है या एक जीन का गुच्छा है, क्लस्टर है, दैट टुगेदर फंक्शन एज ए यूनिट। ये सारे जीन एक इकाई की तरह काम करते हैं, एक यूनिट की तरह काम करते हैं, टू परफॉर्म अ मेटाबॉलिक फंक्शन, किसी एक मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे लैक्टोज का डाइजेशन करना एक मेटाबॉलिक फंक्शन है, इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे जीन्स मिल करके एक यूनिट की तरह काम करते हैं,
इन सारे जीन्स के समूह को हम लोग कहते हैं ओपरॉन। क्या बोलते हैं? ओपरॉन। तो ओपरॉन है क्या? ओपरॉन एक जीन का समूह है, ग्रुप या क्लस्टर, गुच्छा है जीन्स का, दैट टुगेदर फंक्शन एज ए यूनिट। ये सारे जीन्स मिल करके काम करते हैं एक यूनिट की तरह टू परफॉर्म अ मेटाबॉलिक फंक्शन, किसी एक मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे लैक्टोज के डाइजेशन के लिए बहुत सारे जीन्स होते हैं, ये मिलकर के काम करते हैं। ठीक, अब देखो एन ओपरॉन इंक्लूड, एक ओपरॉन में क्या क्या आते हैं? एक ओपरॉन में आता है एक रेगुलेटर जीन होता है। इसमें क्या होता है? ओपरॉन के अंतर्गत आता है एक रेगुलेटर जीन, एक रेगुलेटर जीन है। रेगुलेटर जीन के अलावा ओपरॉन में एक प्रमोटर साइट होती है, साइट कहते हैं जगह, एक प्रमोटर साइट है और इसको प्रमोटर जीन भी कह सकते हो, लेकिन प्रमोटर साइट कहना ज्यादा सही है क्योंकि ये ट्रांसक्राइब नहीं होती है, यानी इससे आरएनए नहीं बनता है, तो प्रमोटर साइट लिखना ज्यादा सही है। तुम प्रमोटर जीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटर लेवल पर चल जाएगा। तो ओपरॉन के अंदर क्या क्या है? एक रेगुलेटर जीन है, एक प्रमोटर साइट है और वन और फ्यू स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जिन्हें हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। एक या अनेक स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जिन्हें हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो ओपरॉन के अंतर्गत क्या आ गया? एक रेगुलेटर जीन है, एक प्रमोटर साइट है, एक या कुछ पाए जाते हैं स्ट्रक्चरल जीन जिनको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। ये सब मिलकर के ओपरॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओपरॉन बनाते हैं। ओपरॉन एक तरह का मैकेनिज्म है जिसमें जीन्स मिल करके काम करते हैं किसी एक मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे लैक्टोज के डाइजेशन के लिए बहुत सारे जीन्स हैं, ये सारे जीन्स हैं, ये मिल करके काम करते हैं। मिल करके काम करने से फायदा है कि कंजर्वेशन होती है एनर्जी, ऊर्जा बचती है। तो इस तरह के सिस्टम पाए जाते हैं एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, एटीपी को कंजर्व करने के लिए। तो लिखा है सच सिस्टम्स आर यूजुअली प्रेजेंट टू कंजर्व एनर्जी और एटीपी। ओपरॉन या इसके जैसे जो भी सिस्टम पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो ऊर्जा को बचाने के लिए होते हैं। कैसे ऊर्जा बचती है हम आगे बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि एक जीन जब एक्टिव होगा तो बाकी अपने आप एक्टिव होते हैं। कैसे एक्टिव होते हैं? हर एक जीन को एक्टिवेट करने के लिए अलग से ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां इस तरह का ओपरॉन या होमोलॉगस सिस्टम, इस तरह के सिस्टम ये किस लिए पाए जाते हैं? टू कंजर्व एनर्जी और एटीपी, ऊर्जा या एटीपी को बचाने के लिए। ओपरॉन या होमोलॉगस सिस्टम आर यूजुअली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये सामान्यतः प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं ओपरॉन। यूकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन है, देखो प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन ओपरॉन्स के जरिए होता है, यूकैरियोट में जो जीन रेगुलेशन है वो अलग तरीके से होता है। तो यूकैरियोट का लिख लो, यूकैरियोट में, इन यूकैरियोट्स जीन रेगुलेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू ब्रिटन डेविडसन मॉडल, या इसे हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ऑरिजिन बैटरी मॉडल। तो प्रोकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन होता है वो उनमें ओपरॉन्स हैं, यूकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन होता है उसमें ब्रिटन डेविडसन मॉडल के अनुसार होता है। इस मॉडल को हम लोग जीन बैटरी मॉडल भी कहते हैं। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ओपरॉन है जो प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन है, ये तुम्हारे सिलेबस में है। तो देखा ओपरॉन एक जीन का समूह है, ये सारे जीन्स मिल करके एक यूनिट की तरह काम करते हैं किसी एक मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे लैक्टोज के डाइजेशन के लिए ओपरॉन है, उसे हम लैक ओपरॉन कहते हैं। एक ओपरॉन के अंदर क्या क्या है? एक रेगुलेटर जीन है, एक प्रमोटर साइट है और वन और फ्यू स्ट्रक्चरल जीन्स हैं या सिस्ट्रॉन्स होते हैं। ये ओपरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? ओपरॉन्स या होमोलॉगस सिस्टम पाए जाते हैं इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन होता है ब्रिटन डेविडसन मॉडल या जीन बैटरी मॉडल।
ये जो ओपरॉन है ये ऊर्जा को बचाने का काम करते हैं, दे आर यूजुअली मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्टार्ट हम लोग करते हैं इसमें रेगुलेटर जीन है। ओपरॉन में क्या है? ओपरॉन में एक रेगुलेटर जीन है, एक प्रमोटर साइट है। ओपरॉन में क्या क्या है हमने बताया था, एक रेगुलेटर जीन है, इस रेगुलेटर जीन का नाम इस नाम भी होता है, हम बताएंगे लैकोपरॉन में आगे। रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर साइट है, ऑपरेटर है, और यहां पर तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जेड वाई और ए, इनको तीन सिस्ट्रॉन्स भी कहते हैं, इनको हम तीन सिस्ट्रॉन भी कहते हैं। आगे बताएंगे तुम्हें रेकॉन म्यूटॉन और सिस्ट्रॉन, इनके इनके बारे में बताएंगे, सिस्ट्रॉन से तीन सिस्ट्रॉन। तो यहां पर क्या है ओपरॉन में क्या क्या है, रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर है, और तीन या यहां पर तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं या तीन सिस्ट्रॉन्स हैं, नाम है जेड वाई ए मान लो, ठीक है। ये इधर होना चाहिए था, थोड़ा सा इधर आना चाहिए, फायदा। अब देखो प्रमोटर के बगल में ऑपरेटर भी है, ऑपरेटर जो है ये प्रमोटर का ही पार्ट होता है। ऑपरेटर किसका पार्ट है? ये ऑपरेटर इज ए पार्ट ऑफ प्रमोटर, और प्रमोटर के एडजेसेंट होता है, प्रमोटर के बगल में होता है। तो ऑपरेटर प्रमोटर का ही हिस्सा होता है और प्रमोटर के बगल में ही रहता है ऑपरेटर। ऑपरेटर से आगे चिपकती है प्रोटीन, रेगुलेटर जीन एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। रेगुलेटर जीन एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये आकर के ऑपरेटर से चिपकती है। इससे चिपकती है, ये आकर के चिपकती है ऑपरेटर से। तो ऑपरेटर से आके क्या चिपकता है? ऑपरेटर से आकर के रिप्रेसर प्रोटीन चिपकती है। अलग अलग तरह के ओपरॉन होते हैं बेटा, लैक्टोज के डाइजेशन के लिए लैक ओपरॉन है, इसके अलावा ट्रिप्टोफान की बायोसिंथेसिस के लिए टीआरपी ओपरॉन है, हिस्टिडीन की सिंथेसिस के लिए हिस ओपरॉन है, वैलिन की सिंथेसिस के लिए वैल ओपरॉन है। तो प्रोकैरियोट्स में अलग अलग तरह के ओपरॉन पाए जाते हैं, हर एक ओपरॉन का ऑपरेटर अलग अलग होता है, हर एक ओपरॉन का ऑपरेटर अलग होता है, और उसकी उसका रिप्रेसर भी अलग होता है। मान लो ये लैक ओपरॉन है, तो लैक ओपरॉन का जो ऑपरेटर है और इसकी जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ट्रिप्टोफान ओपरॉन से अलग होगी, फर्क होती है। तो हर एक ओपरॉन का अपना ऑपरेटर होता है और अपना रिप्रेसर होता है, स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है और स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है, स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है, ठीक। अब देखो ऑपरेटर इज ए पार्ट ऑफ प्रमोटर, ऑपरेटर किसका पार्ट है? ऑपरेटर प्रमोटर का ही पार्ट होता है, इट इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू प्रमोटर, ऑपरेटर प्रमोटर के बगल में मौजूद है। कहां मौजूद है? प्रमोटर के बगल में ही ऑपरेटर मौजूद है। यूजुअली अ प्रोटीन नोन एज रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, ऑपरेटर से आगे कौन सी प्रोटीन चिपकती है? रिप्रेसर प्रोटीन आगे चिपकती है, जिसको रेगुलेटर जीन बनाता है। ईच ओपरॉन हैज इट्स ओन ऑपरेटर, हर एक ओपरॉन का अपना अपना ऑपरेटर होता है। लैक ओपरॉन का ऑपरेटर अलग होगा, ट्रिप्टोफान ओपरॉन का ऑपरेटर अलग होगा, हर एक ओपरॉन का ऑपरेटर अलग अलग होता है। ईच ओपरॉन हैज इट्स ओन ऑपरेटर, हर एक ओपरॉन का ऑपरेटर अलग अलग होता है। एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर, हर एक ओपरॉन का जो रिप्रेसर है वो भी अलग अलग होता है। यह है रिप्रेसर, हर एक ओपरॉन का रिप्रेसर भी अलग अलग होता है। जैसे लैक ओपरॉन का ऑपरेटर लैक ऑपरेटर हो गया, और इससे आकर के चिपका का जो रिप्रेसर वो लैक रिप्रेसर है। तो हर एक ओपरॉन का अपना अपना ऑपरेटर और स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है, ठीक, ये ध्यान रखना। लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट इन लैक ओपरॉन, लैक ऑपरेटर कहां पाया जाएगा? लैक ओपरॉन का जो ऑपरेटर है उसको हमने बोला लैक ऑपरेटर, इट इंटरैक्ट विद द लैक रिप्रेसर, और इससे जो आकर के चिपक रहा है रिप्रेसर वो है लैक रिप्रेसर। इसी तरह से ट्रिप्टोफान ओपरॉन का ऑपरेटर अलग होगा और उससे चिपकने वाला रिप्रेसर प्रोटीन भी अलग होगा। तो हर एक ओपरॉन का ऑपरेटर और रिप्रेसर अलग अलग होता है, यह ध्यान रखना।
बहुत सारे ओपरॉन पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, उसमें ट्रिप्टोफान है, टीआरपी ओपरॉन ट्रिप्टोफान की बायोसिंथेसिस के लिए, हिस ओपरॉन हिस्टिडीन की बायोसिंथेसिस के लिए, वैल ओपरॉन वैलिन अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस के लिए। तो अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग चीजों की सिंथेसिस या मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोकैरियोट्स में अलग अलग तरह के ओपरॉन्स पाए जाते हैं। तुम्हारे सिलेबस में ये सारे ओपरॉन नहीं है, लैक ओपरॉन है। क्या है? लैक ओपरॉन है, डिटेल में दे रखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में।